हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं विंटर स्पेशल तिल गुड़ मखाना रेवड़ी। बनाने में बहुत ही आसान है और सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये रेसिपी बहुत जल्दी से हम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए तिल गुड़ मखाना रेवड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मखाना तिल गुड़ रेवड़ी। इसके लिए हमने लिया है एक कटोरी फूल मखाना, आधा कटोरी गुड़ लिया है और आधा छोटी कटोरी हमने यानी कि 2 से 3 चम्मच हमने तिल लिए हैं। हमने लिया है एक पैन और पैन में हम सबसे पहले डाल देंगे तिल। तिल को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। देखिए तिल रोस्ट हो चुके हैं, इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तिल को हमने प्लेट में निकाल दिया है, वापस से वही पैन यूज में लेंगे। पैन में हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। देखिए घी गरम हो चुका है, अब हम डाल देंगे मखाना। मखानों को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे जब तक इनमें क्रंच ना आ जाए। बहुत ही मजेदार रेसिपी है और आप इसको जरूर से ट्राई करें। आप इस तरह से पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं, बादाम भी बना सकते हैं और इस तरह से हम गुड़ की रेवड़ी भी बना सकते हैं। हमारे मखाने बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, आवाज भी बहुत बढ़िया आ रही है और क्रंच भी बहुत अच्छे से आ गया है। मखाने को भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मखाने बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। आइए अब हम गुड़ की चाशनी तैयार कर लेते हैं। वापस से वही पैन हमने ले लिया है और 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी के साथ हमने इसमें आधा कटोरी गुड़ लिया है। आप गुड़ की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और ये हमने बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया है। गुड़ को भी हम पैन में डाल देंगे और लगभग 1 चम्मच के आसपास हम पानी डाल देंगे। गुड़ की चाशनी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है और बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। गुड़ की चाशनी बनाने में बिल्कुल भी समय ज्यादा नहीं लगता है, पर आप गुड़ को इस तरह से मिक्स करते रहें, नहीं तो जो गुड़ की हम चाशनी बनाने जा रहे हैं वो नीचे लगने लग जाती है और जब हम कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें जलेबी की स्मेल आने लग जाती है। तो आप कंटिन्यूअसली इसको इस तरह से चलाते रहें। ये देखिए गुड़ फटाफट से मेल्ट होने लग गया है। गैस के फ्लेम को हमने लो मीडियम कर दिया है। देखिए गुड़ हमारा बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है। अभी हमें चाशनी को पकने देना है क्योंकि अभी हमारी चाशनी अच्छे से तैयार नहीं हुई है। देखिए हमारी चाशनी कितनी फ्लफी हो गई है और झाग आने लग गए हैं। हमने एक कटोरी में लिया है पानी और पानी में हम थोड़ी चाशनी डाल लेंगे। गैस के फ्लेम को हमने एकदम लो कर दिया है। मैं आपको चाशनी चेक करके बताती हूँ। ये देखिए अभी हमारी जो चाशनी है वो तैयार नहीं हुई है क्योंकि उसमें इस तरह से तार बन रहे हैं। अभी हम क्रंच आने का वेट करेंगे। देखिए लगभग हमारी चाशनी बनने को आ गई है क्योंकि गुड़ ने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है और काफी गाढ़ी भी हो गई है। अभी हम इसको लगभग 1 मिनट और पकाएंगे। हमारी चाशनी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पर फटाफट से गैस के फ्लेम को तो बंद कर देंगे और 1 पिंच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो भी आपके पास अवेलेबल है आप डाल दीजिए। देखिए कितना बढ़िया से हमारा कलर आया है चाशनी का। और अब हमने जिसमें मखाने रोस्ट करके रखे थे वो मखाने डाल देंगे। गुड़ के साथ में मखानों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चाशनी सभी मखानों पे बहुत अच्छी तरह से लग चुकी है। अब हम डाल देंगे रोस्ट किए हुए तिल। मैंने अभी आधे तिल डाल दिए हैं। आधे तिल डाल के हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बाकी के तिल भी डाल देंगे और जल्दी जल्दी से मिक्स कर देंगे क्योंकि जो हमारे मखाने हैं वो गुड़ में सेट होने लग गए हैं और ये बहुत आसानी से अलग भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे आपस में चिपके ही रहेंगे, ये सब बहुत आसानी से अलग भी हो जाएंगे। हमने सभी मखानों को, गुड़ को और तिल को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि जब मखाने ठंडे होंगे तो बहुत अच्छे से हमारी रेवड़ी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए पैन भी एकदम साफ है, कहीं भी तिल वगैरह चिपके हुए नहीं है, ना चाशनी लगी हुई है। सर्दियों में बहुत जल्दी से फटाफट से बनने वाली मखाना तिल गुड़ रेवड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम 2 से 4 मिनट इसको ठंडा होने देंगे ताकि जो हमारी मखाना रेवड़ी है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए। अभी गरम है, गुड़ भी गरम है इसलिए हल्का हल्का चिपक रहा है। ठंडा होने का वेट करेंगे।
हमारी तिल गुड़ मखाना रेवड़ी बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया से तैयार हुई है, सभी पे कोटिंग भी बहुत अच्छी हुई है और बहुत ही बढ़िया से क्रंच भी आया है। तो फ्रेंड्स, तिल गुड़ मखाना रेवड़ी बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।